श्री हनुमत धाम में सावन मास के उपलक्ष्य में श्री शिव महापुराण का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ मंदिर प्रांगण से दिनकर विहार होते कथा स्थल पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर कथा के यजमान लाला बलवीर ग्रोवर ने श्री शिव महापुराण लेकर दिनकर विहार से कथा स्थल तक यात्रा की अगुवाई की, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने प्रतिभाग किया। यात्रा के दौरान जगह जगह महापुराण जी का भक्तों द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर कमला जसवाल, उषा शर्मा, शोभा देवी, पूनम ठाकुर, ललिता शर्मा, रेखा तोमर, अंजू शर्मा, प्रेरणा शर्मा, सपना भट्ट, प्रिया, अंकिता, सरोज देवी, विनय प्रसाद, मदन राज भट्ट, रमेश अरोड़ा, विष्णु महावर, नवनीत गुप्ता, उमेश भट्ट, महेश भट्ट आदि समस्त शिव भक्त मौजूद रहे। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत खुशी महसूस है, और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी हमारे विकास नगर के बाहर के कहीं के भी हमारी कथा में शामिल हो, शिव कथा में शामिल हो। और बड़ी खुशी का दिन है, बड़ी खुशी का वो है और बड़ी खुशी हो रही है। जय श्री राम। था जो कलश यात्रा निकाली है हमारे यहाँ, जब भी कोई पुराण यात्रा का प्रारंभ होती है उससे दिखाने सबसे पहले कलश निकलना चाहिए। कलश जो है मंगल का प्रतीक होता है और कलश में गंगा यमुना सरस्वती आदि का वास होता है और भगवान तीन देवताओं का वास होता है। इसलिए कलश यात्रा करने से पहले, पुराण कथा करने से पहले कलश यात्रा करते हैं। जब कलश यात्रा चलती है तो जहाँ पर पुराण होता है उस कलश को वहाँ पर स्थापित किया जाता है। जितने दिन उसकी पूजा होती है, यानी 9 दिन तक उस कलश की पूजा होगी और 9वें दिन उस कलश की पूर्ण विराम देकर के उन कलशों को वापस किया जाता है जो कलश यात्रा में शामिल होते हैं। यही मंगल का सूचक है। हमारी कलश यात्रा जो है हनुमान धाम प्रांगण से प्रारंभ हुई, हनुमान जी के सानिध्य में, हनुमान जी के निकट में, और हनुमान जी के ही प्रांगण में जो है नगर परिक्रमा करते हुए, ग्राम सभा परिक्रमा करते हुए, भ्रमण करते हुए फिर पुनः कथास्थल हमारे हनुमान धाम में ही है। और हनुमान धाम में जो हमें कथास्थल बना हुआ है उस कथास्थल पर जो विश्राम दिया गया है वहीं पर जो है कलश स्थापना की गई है और आज से कलश स्थापना हो जाएगी, देवताओं की पूजा हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी 7 तारीख से 15 तारीख तक ये कार्यक्रम हमारी चलती है।